वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल में, और देखते हैं 23 अक्टूबर के करंट अफेयर जो भी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन संबंधित है कृत्रिम चंद्रमा से। ये एक सैटेलाइट है जो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा 2020 तक, चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो स्ट्रीट लाइट है इनको हटाने की इसका उद्देश्य है, तथा इसका दूसरा उद्देश्य क्या है? जो बिजली खपत है उसको कम करना इस कृत्रिम चंद्रमा का उद्देश्य है। ठीक है, इसका इसके क्वालिटीज़ क्या है? इसकी क्वालिटीज ये है जैसे कि ये पृथ्वी के 80 किलोमीटर के दायरे को रोशन करेगा, तथा इसके वास्तविक चंद्रमा से ये 8 गुना चमकीला है। ठीक है, यहाँ पे चाइना की बात हुई तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन संबंधित है सबसे बड़ा उभयचर विमान। सबसे बड़ा उभयचर विमान है ये, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सफल परीक्षण किया है चाइना ने, इसका सफल परीक्षण किया है। बात करते हैं इस उभयचर विमान का नाम क्या है। इस उभयचर विमान का नाम है AG-600। इसका नाम है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर विमान है। बात करें इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है एविएशन इंडस्ट्री, इसको बनाया है एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। ठीक है, और इसके क्वालिटीज़ क्या है? इसकी क्वालिटीज़ है ये 53.5 टन का इसका वज़न है, और वज़न रख सकता है ये 53.5 टन का ये वज़न रख सकता है, और कुछ सेकंड में 12 टन पानी एकत्र करने की इसकी क्षमता है, और ये 12 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। साथ में ये समुद्र में बचाव कर सकता है, आग बुझाने में बड़ा सहायक है। ये सारी क्वालिटीज़ उभयचर विमान AG-600 अपने पास रखता है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन संबंधित है डेनमार्क ओपन बैडमिंटन। तो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन है, इसमें साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें साइना नेहवाल ने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो साइना नेहवाल की बात करें तो साइना नेहवाल ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था, और कांस्य जो एशियन गेम्स है इसमें रजत पदक जीता था पी वी सिंधु ने रजत पदक जीता था, और एशियन गेम्स में और साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था। बात करते हैं डेनमार्क ओपन को किसने जीता है, तो इसको जीता है तास छू यिंग ने इसको जीता है, जो कि ताइवान की एक खिलाड़ी है। ठीक है, और ये लगातार 11वीं बार साइना नेहवाल को इसने हराया है। तास छू यिंग ने 11 बार लगातार साइना नेहवाल को हराती हुई आ रही है अभी तक, तो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बन गई है साइना नेहवाल के लिए ताई छू यिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है नीति व्याख्यान श्रृंखला। नीति व्याख्यान श्रृंखला एक का एक कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? यह संस्करण आयोजित हुआ है 4th संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, इसको किसने आयोजित कराया है? इसको आयोजित कराया है नीति आयोग ने। ठीक है, यहाँ पर नीति आयोग की बात हुई है तो नीति आयोग के हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसके फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं PM नरेंद्र मोदी, और इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। बात करते हैं कि CEO कौन है। नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत, और जो ये नीति व्याख्यान श्रृंखला जो आयोजित हुई है 4th संस्करण जो आयोजित हुआ है, इसका विषय क्या है? इसका उद्देश्य है AI फॉर ऑल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर ऑल इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है पुनर्गति 20 पॉइंट प्रोग्राम से यह संबंधित है। ठीक है, तो यह कब प्रभावी हुआ है? तो ये प्रभावी हुआ है 2007 में। ये पुनर्गठन 20 पॉइंट प्रोग्राम 2007 में प्रभावित हुआ है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 को इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इसके द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। तो इस पुनर्गठन 20 पॉइंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन तथा गरीब लोगों की जीवन शैली को बेहतर करना। पुनर्गति 20 पॉइंट प्रोग्राम का उद्देश्य है। ठीक है, इसको कितनी बार पुनर्गठित किया जा चुका है? इसको 3 बार पुनर्गठित किया जा चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम से। ठीक है, ये जो वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का ये है, 2003 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्व घाटे को कम करना। जो वित्तीय जिम्मेदारी बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 है, इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व घाटे को कम करना है। ठीक है, इसको कब लागू किया गया था? इसको अटल जी के समय, जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, के समय इसको लागू किया गया था। ठीक है, और बात करें 2016 में इसके लिए एनके सिंह कमेटी बैठाई गई थी। या इम्पोर्टेंट है कौन सी कमेटी बैठाई गई थी? एनके सिंह कमेटी बैठाई गई थी 2016 में इसके लिए, उस पर चर्चा की गई थी। ठीक है, किस पर चर्चा की गई थी? उसका नाम है
एफ आर बी बी यानी इसका फुल फॉर्म क्या है FRBB की, इसकी फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो कि जो हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, वित्तीय जिम्मेदारी एंड बजट प्रबंधन, तो इसकी इंग्लिश है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी कि FRBB की जो चर्चा हुई थी, इनकी कमेटी इसके लिए बिठाई गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है सबसे बड़ा रेत द्वीप। तो सबसे बड़ा रेत द्वीप किस देश में स्थित है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे बड़ा रेत द्वीप स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है जेली प्रोटीन। अब जेली प्रोटीन से संबंधित है, तो इसकी जो खोज है, जेली प्रोटीन खोज किसने करी थी, तो कुछ उनका नाम है ओसामू सिमो मोरा, ये जिन्होंने जेली प्रोटीन की खोज करी थी। ठीक है, तो कहाँ के साइंटिस्ट हैं ये, ये जापान के साइंटिस्ट हैं, इनकी कल मृत्यु हो गई है। ठीक है, कल इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको 2018 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, क्या नाम है जेली प्रोटीन खोजकर्ता का, तो आसुमो सिमोरा इनका नाम है, जिनके 2008 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और कल इनकी मृत्यु हो गई 90 साल के थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है नूर इनायत खान से। नूर इनायत खान से संबंधित है, ये कौन है नूर इनायत खान, यह है भारतीय मूल के एक ब्रिटिश जासूस है, जिनको ब्रेक्सिट के बाद, जिनको क्या ब्रेक्सिट के बाद 50 पाउंड के नोट पर दिखाई दे सकते हैं। ये नूर इनायत खान को जो 50 पाउंड का नोट उन पर दिखाई दे सकती है, जो कि एक भारतीय मूल की ब्रिटिश जासूस है। ठीक है, तो अब ब्रेक्सिट क्या है, अभी एक वर्ड टर्म लिया है ब्रेक्सिट, मैंने बोला है, तो ब्रेक्सिट का मतलब क्या है, ब्रिटेन जब यूरोप से एग्जिट हो जाएगा, ब्रिटेन जब यूरोप से एग्जिट हो जाएगा, तब जो है 50 पाउंड के नोट पर ये नूर इनायत खान दिख सकती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगले क्वेश्चन संबंधित है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। ये जो पुरस्कार है उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो पुलिस में, जो उन पे व्यक्तियों को जाएगा दिया जाएगा जो आपदा राहत में जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपनी अपनी सेवा को अच्छे से देंगे देंगे किसी भी आपदा के समय, जो आपदा राहत जो कार्यक्रम चलाया जाएगा किसी भी एरिया में, वहाँ पर जो पुलिस कर्मी अच्छा सा अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे, तो उन पुरस्कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है बेनामी लेन देन। बेनामी लेन देन से संबंधित है। ठीक है, तो इसको अभी क्या है कि केंद्र ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विशेष अदालतों को अधिसूचित किया है, किसके लिए, बेनामी लेन देन के लिए, इस मतलब ये कोई ये मामला है जिसके लिए केंद्र ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष अदालतों को अधिसूचित किया है इस मामले के लिए, बेनामी लेन देन के लिए। ठीक है, तो बेनामी लेन देन क्या है, जैसे कोई कोई इंसान है जिसने, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो चलो ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन उसके पास इतनी मतलब उसके नाम पे उसने प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन उसके पास और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन उसको है ना किसी थर्ड पर्सन के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसने, जिसका कोई अता पता नहीं है, तो उसके पास बेनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसने किसी थर्ड पर्सन के ऊपर उसको रजिस्टर्ड करा रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है ग्रीन क्लाइमेट फंड से। ग्रीन क्लाइमेट फंड से ये क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड में क्या है कि एक विकासशील जो देशों के लिए 19 परियोजना है उनको पोषित करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत एक राशि अनुमोदित करी है। राशि अनुमोदित करी, वो राशि कितनी है, तो वो राशि है $1 अरब राशि है। ठीक है, और ये ग्रीन क्लाइमेट की बात करें तो ग्रीन क्लाइमेट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, दक्षिण कोरिया में वो स्थित है, और इसकी बैठक कहाँ पर हुई है अभी, तो इसकी बैठक हुई है मनामा में, जो कि बहरीन की राजधानी है। ठीक है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड कब बनाया गया था, बनाया गया था 2015 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसका इसका तो इसमें एक प्लानिंग करी गई थी कि जो विकसित देश हैं वो 2018 तक $10 अरब का कलेक्शन करेंगे, 2018 $10 अरब का कलेक्शन करेंगे, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपनी राशि वापस ले ली और $10 अरब का नहीं हो करिए, केवल $1 अरब का ही हो पाया। ठीक है, $1 अरब का ही हो पाया, जिससे जो विकासशील देश है जिसमें भारत भी है, तो उनकी 19 परियोजनाओं को पोषित किया जाएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है भारत की पहली क्रूज सेवा। भारत की पहली क्रूज सेवा किन दो देशों के मध्य चलेगी, ये तो चलेगी मुंबई और गोवा के मध्य चलेगी। ठीक है, और बात करें इस क्रूज का नाम क्या है, इस क्रूज का नाम है अंगरिया, इस क्रूज का नाम है जो कि मुंबई और गोवा के मध्य चलेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिल्ली हाफ मैराथन। दिल्ली हाफ मैराथन ये 20 अक्टूबर को, इसमें पुरुषों में किसने जीता है, तो पुरुषों में जीता है इसने अंदम का बलेहू ने इसको जीता है। मेन में बात करें वुमेन में किसने जीता है, तो वुमेन में जीता है सहे गेमचे ने इसको जीता है। ठीक है, मेन में जीता है अंदम का बलेहू ने और
वुमेन जीता ऐसा है, गमेश ने इसको जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन संबंधित है सबसे लंबा समुद्र बीच, तो सबसे लंबा समुद्र बीच है किन दो देशों के बीच ही है, तो एक तो हांगकॉन्ग और चाइना के बीच में इसको बनाया गया है। कौन कौन से देश? हांगकॉन्ग और चाइना के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन ने जो भी मंत्रियों की जो बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है सातवीं जो बैठक है कहाँ पर हुई है? ये कजाकिस्तान में इसकी बैठक हुई है। और इसमें सात और आठवां मेंबर कौन है? तो सातवां इंडिया है और आठवां पाकिस्तान है। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन का एस सी ओ बोलते हैं इसकी, एस सी ओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम है शंघाई सहयोग संगठन, जो कि सातवीं बैठक हुई कहाँ पर हुई है? कजाकिस्तान में इसकी बैठक की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है उस्ताद चंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम जो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किनको मिला है? ये मिला है पंडित विश्व मोहन भट्ट है, जिनको संगीत के क्षेत्र में इसको मिला है। उनका जो योगदान है संगीत के क्षेत्र में पंडित विश्व मोहन का, उन इसके लिए उनको उस्ताद चंद्रकांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है मोइन अब्दुल मलिक से, ये क्वेश्चन संबंधित है। मोइन अब्दुल मलिक कौन है? ये यमन के प्रधानमंत्री बने हैं अभी रिसेंटली, तो वो कौन है? यमन के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है मईन अब्दुल मलिक, उनका नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है नास्कॉम से, नास्कॉम से हम संबंधित है। अभी नास्कॉम ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? इन्होंने नास्कॉम ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं तो किए हैं दुबई इंटरनेट सिटी के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नास्कॉम ने दुबई इंटरनेट सिटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू की फुल फॉर्म क्या है? तो एमओयू की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू की फुल फॉर्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है बसवाश्री अवार्ड, जो बसवाश्री अवार्ड है ये किनको मिला है? कौन से राज्य को मिला है? तो बसवाश्री अवार्ड मिला है कर्नाटक राज्य को, उसके जो अच्छे कामों के लिए इसको दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन संबंधित है शिमला से। अभी जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल के रखा गया है, वैसे भी अब शिमला का नाम भी बदल कर रखा जाने की मांग रखी गई है। उनका क्या नाम रखे जाने की मांग रखी है? तो श्यामला उसका नाम रखे जाने की मांग रखी गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ अलग एक करंट अफेयर है जो मुझे अभी बाद में मुझे पता चले हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं कोप इंडिया, तो कोप इंडिया युद्धाभ्यास है किन किन देशों के बीच हो रहा है? तो वो हो रहा है भारत जापान और यूएसए के बीच हो रहा है। कल मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने भारत यूएसए के साथ बी भारत और यूएसए के साथ रशिया को ऐड कर दिया था जो कि गलत था। भारत यूएसए और जापान के बीच ये कोप इंडिया जो द्विपक्षीय था वो त्रिपक्षीय हो गया है। और जो विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन किया है रामनाथ कोविंद ने। अगला क्वेश्चन है वेल्थ हब किसने लॉन्च किया? वेल्थ हब लॉन्च किया एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ हब को एप्लीकेशन उसको लॉन्च किया है। बाद में शक्ति भट्ट पुरस्कार, शक्ति भट्ट पुरस्कार किनको मिला है? मिला है सुजाता गिरला को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे अपनी 23 तारीख करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लोगों के साथ शेयर करें जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि इसमें पूरी मैं जीके कवर करता हूँ, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको केवल एक चैनल पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। साथ में इस चैनल पर इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, तो आप इंग्लिश की वीडियो को जरूर चेक करें। आपको इंग्लिश में हिंदी में बड़े अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि वो भी आपको अच्छे से कवर हो जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।